बहुत जल्द हुआवे अपना फ्लैगशिप फोन मैट 30 प्रो लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन ये क्या, इस नए फोन में गूगल के मशहूर एप्स ही नहीं होंगे, यहाँ तक गूगल मैप और यूट्यूब भी नहीं। गूगल का कहना है कि हुआवे पर अमरीकी हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदी की वजह से वो चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुआवे के साथ डील नहीं कर सके। माहिरीन को तशवीश है कि बगैर गूगल एप्स के इन फोन्स में खरीदारों की दिलचस्पी कैसे होगी। इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी का मतलब है बेशुमार इम्कानात। यही तो इस साल शंघाई में होने वाली वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की थीम है। यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 300 कंपनियां मस्नूई जहानत से लैस आलात पेश कर रही हैं, और मस्नूई जहानत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, इसी बात की झलक इस नुमाइश के मेहमान देख रहे हैं। ये मंजर बीजिंग के रोबोट शो का है। जी हाँ, ये उड़ने वाला परिंदा असल में रोबोट है। हालांकि इसके पंख 2 मीटर तक फैल जाते हैं, लेकिन वजन महज 400 ग्राम। जर्मन ऑटोमेशन कंपनी फेस्टो की तख्लीक इस परिंदे को परवाज और लैंडिंग के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं, और तो और रास्ते तलाश करने के लिए इसमें GPS और कैमरा भी फिट है। और आखिर में यूरोप का मरीख मिशन लॉन्च के बहुत करीब है। एक्सो मार्स रोवर्स तैयार होते ही अगले साल इसे मरीख पर भेज दिया जाएगा। 6 पहियों वाले इस रोबोट का नाम रोजलिंड फ्रैंकलिन है, और इसका काम मरीख पर जिंदगी के इम्कानात तलाशने में मदद करना है। जाहिर है ये सब तभी हो सकेगा जब ये टेस्ट के मराहिल कामयाबी से पूरे कर ले।